इधर आने के बाद है ना, श्रीमान ने मुझे इतने दूर से बुलाया और बोला आजा शोरूम में, मैं खड़ा हूँ। तो कुत्ता खाने के लिए गया है, मतलब मैं इधर आके वेट कर रहा हूँ, वो बेचारे गाड़ी सर्विसिंग कर रहे हैं दोनों। मतलब क्या ही बोले मुझे बताओ, अभी बोल रहे मैं 5 मिनट में आया, 15 मिनट में आया, अभी 1 घंटे में आएगा, खाना भी ना खा के आएगा। मैं शोरूम में बैठा हूँ, मेरी जिंदगी आज वेटिंग करने में ही जा रही है। वो टाटा ने उधर रुकाया, अभी ये कावासाकी वाले मुझे इधर रुकाएंगे। नहीं, कावासाकी वाले प्रॉपर काम करे, गाड़ी का तो काम चल रहा है, श्रीमान ने मुझे इधर रुकाया, माफ करना। ये पार्टी काम कर रहा है ये गाड़ी का, और श्रीमान भाई की गाड़ी का सर्विस तो हो गया। ये देखो ऑयलिंग विलिंग चेंज हो रहा है प्रॉपर, उधर भी ऑयल चेंज हो रहा है, इधर भी ऑयल चेंज हो रहा है। दोस्त क्या तुम्हारा नाम? अकबर। अकबर शेख भाई काम कर रहे हैं अपने गाड़ी का, अच्छे से बनाना दोस्त, दूर जाना है। हाँ क्या देखो, मैं इतने दूर से आया ना, मेरी वैल्यू नहीं है, पहला गाड़ी को देखने गया अपने बीबी को। और मैं इधर, करण तूने खाना खाया क्या, नहीं खाया क्या, पूछा भी नहीं, मतलब मेरी तरफ देखा भी नहीं। सर बराबर है क्या, पूछा क्या मेरा, नहीं पूछा ना, हलकट होता है ऐसे चीज। अभी वो गाड़ी के बारे में क्या क्या पूछेगा उधर जाके, क्या खाली कुछ देखो बोल बच्चा। श्रीमान मेरे को गले तो मिल, इतने दूर से यार, बहुत अच्छा लगा, दूसरी तीसरी बार मिल रहे हैं, अच्छा। अरे यार मैं आपको, अभी हम राइडिंग गियर लेने जा रहे हैं, राइडिंग गियर मुझे मिलने में एंट्री से नहीं, अभी राइडिंग गियर का आ गया, अभी जाते उधर। और ये देखो चार्जर बैटरी, हां फुल हो गया। तू ब्लॉग बनाते आया ना, मैं कंटिन्यू करते हूं, अभी तो आज पावरी ना गाड़ी एकदम 90-50 कंटिन्यू। गाइस एकदम प्यार से है यार, अभी खा लो नहीं है, सुसु है, सुसु तेज बोले बाथरूम से ओपनिंग कसा नहीं केला तू अजून। हो गया, श्रीमान से मिला, बहुत अच्छा लगा, आज मैं पेट भर के खाना खाऊंगा। कहाँ पे आपको मालूम है, एक श्रीमान की फेवरेट जगह पे, ये उसका बैठने का आसन है, सॉरी बैठने का आसन है, जो इधर श्रीमान बैठता है और बहुत ज्यादा 20-20 मिनट तक क्या करता है उसको भी मालूम है, लेकिन इधर बैठता है बाबा। मुझे लार्ज लगता है या स्मॉल लगता है, मुझे एक बात बताना गाइज, इस चैट में मतलब कमेंट करके बताना, मेरा और राइडिंग का कुछ संबंध है क्या, मतलब मुझे देख के आपको लग रहा है। हेलमेट के नाम भी ऐसे ऐसे डेंजर है ना, अपन ने ज्यादा से ज्यादा रोड पे 250 रुपए तक हेलमेट लिए हुए, और ये हेलमेट जिधर से स्टार्ट होते हैं ना उधर तक हम पहुंचे भी नहीं, और वो मुझे पूछ रहे हैं क्या करना है, क्या लेने वाला है। अभी मैं सब लेने वाला हूँ, साल्टी गई तो भी चलेगा, टैंक बैग भी लूंगा, परमानेंट विषय, और एकदम टॉप लेवल की क्वालिटी का लूंगा, और मचा दूंगा मैं तो बोल रहा हूँ, पूरा मचा दे, कम से कम 1.5-2 पेटी का बिल होना मांगता है। हाँ 1.5-2 लाख तो होना ही चाहिए, देना रे पैसे ना, मुझे अपन असं काय लावू शकतो का झेड एक्स, हो झेड बनवतो आपण। अरे डिकी हे भेटेल ना अशोक फिटर कडे, मध्ये ना मैं आपको बताना चाहता हूँ, इधर एक्सो एक इतने डेंजर नाम ले रहा है ना ये बंदा, क्या बोल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, कार्डो बिल्डो हेलमेट, ये देखो इसको भी कुछ मालूम नहीं है, वो चार्ली के नाते लग के कुछ भी लिया, मतलब ऐसा है ना कि कार्डो बुकिंग फॉर्म वरून नंबर काढून तुला फोन केला, ये नॉलेजेबल इन सर पीयूष भाई, एच मेन है सब जगह पे, वो जरा एकदा ते काय बोलले ते नाव घ्या परत, काय बोलते कार्डो बिर्डो, कार्डो आणि सेना म्हणून इंटरकॉम सर, सो दोन ऑप्शन येतात त्याच्यामध्ये, तुम्ही ऑडिओ कॉल किंवा नेव्हिगेशन किंवा गाणी पण ऐकू शकता, आणि इंटरकॉम मध्ये तुम्ही ग्रुप राईड करत असाल एकमेकांशी बोलू शकता वायरलेसली। ऐकलं गाईज, तुम्ही घरात बसून सुद्धा तुम्ही फॅमिलीशी आई पप्पांशी बोलू शकता, ज्याला पाहिजे त्याने घेऊ शकता, मॅट फिनिश आहे आणि ते ग्लॉसी आहे, हे डल पडू शकतं पण ते आयुष्यभर तसंच राहणार असं तो मला बोललंय, त्याच्यावर आम्ही डिफेंड आहे, आता काय होईल ते होईल, डिफाइंडेड। श्रीमान मलाही त्यांचा ऐकायचं आहे, ही कोणती कंपनी, ही एमटी, एमटी आणि तो एमटी, अच्छा एमटी,
ऐकलं काय एम टी आहे एम टी बोलतो बेमटी क्वालिटी पण ह्याचे कसं हा एबीएस शेल दोघं ड्युअल वजन बघा कंपेअर गाइस तुम्ही नाव ऐकताय ना फक्त ऐकत राहा घेऊ का हा जोकर तर मला लय आवडला हा चांगला आहे गाइस अभी एम टी और बेमटी को कॅन्सल किया एम टी ले रहे पंख आहे उडतो पण एरोडायनामिक ऐसा कुछ बोले वो मला हे पाहिजे होते रंबा गजप्पा देखा काहीच कुछ तो भी नया ब्लॉगला तर व्हॅल्यूच नाही शूट करायला कोण नाही मी करतो बाइक का पता नाही आहे पर हेल्मेट बादशाह ने दे दिया कैसा है गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ गए आधे घंटे से हेलमेट ही देख रहे हैं और हेलमेट में इतने और क्या क्या होता है ये मैंने आज जिंदगी में पहली बार सुना पुलिस वाले सर बोलते हेलमेट पहनो अपन पहनते मैंने इतने ही सुना था हेलमेट के बारे में ये सुलाएगा आज मेरे को इसके ऊपर डाउट है ये सुलाएगा आज बहुत का उधर होते माझे ना तुझ्या लेवलचा घेणार असेल तर इथं दोन तीन घेतो आजपर्यंत मी टी शर्टची साईज बघितलेली एक्सेल डबल एक्सेल पण हेल्मेट मध्ये पण आहेत बाबा प्रकारे खूप सुंदर खूप सुंदर आता मला हे चल नी गुडवाल लागेल नाही थोडा हलका सर्वात इझी पद्धत काय मग भाईजी आपने कभी सुने बलक लावा विवा मैंने आज तक पर्स अंडे में बलक बिलक होता है यही सुना था बलब सुना था एक मास्क है तो हाँ हेलमेट इजीली स्लाइड होतो आणि इजीली निघतो आणि तुमचा जो स्वेट असतो ना हाँ तो पण याच्यामध्ये तो हेलमेटला वास नाही अच्छा ते हरवलं यांनी काय बुटक्या मधूनच हरवलं काय हरवलं श्रीमान अरे ते बलक लावा कान टोपी सुना था बलक लावा देखिए और पानी पीना है तो पानी हो गया फिर हेलमेट पहनने का अभी हेलमेट एकदम इजी पहन कैसे मिलोगे लोगों से आप बताइए वापस एक बार रीच हेलमेट किधर गया रुकिए जरा दिखाइए देखो बलक लावा लगाने के बाद हेलमेट बहुत ही इजी घुसता है देखिए देखिए आप अच्छे सेल्समैन हो मतलब ये अच्छे से बेच रहे हो आप सेल्स बलक लावा ये देखो ये ऐसे स्ट्रेच करने का रात बलक लाभ थोड़ा ऊपर खींचने का रिलैक्स और एकदम हल्का हेलमेट डबल और इससे लॉक भी है हाँ ये गॉगल पण आहे सनग्लासेस पण तुम्ही गॉगलची क्वालिटी छान आहे त्यांना पण स्क्रॅच नाही पडत ना सगळ्यांना स्क्रॅच पडतो असं पडलं मास्क ठेवण्यासाठी पण एक लेगी स्लीव पण येतो दोन्ही तुम्ही कॅरी करू शकता गए एक घंटे से हेलमेट में क्या क्या है ना वही सुन रहा हूँ मैं अरे सेफ्टी मेंदू की सेफ्टी ब्रो अरे इतनी सेफ्टी अरे भावा 70-80 च्या स्पीडला जर घसरला तर हेलमेट वाचवणार ना ये क्या है भाई बापरे म्हणजे दोन्ही कॅरी करू शकता तुम्ही मी आहो मी असंच ठेवतो घरी गेलो आता कोपर ठेवलेलं आणि त्याच्यावर एक नॅपकिन स्टँड दिलं ना तुम्हाला लावा ना ते भिंतीला ते ड्रिल काचेला तसे अपडेटेड ऑन म्हणजे एका ऍक्सिडेंट साठी यूज करायचं एक बरोबर आहे सेन्स म्हणतो त्याला त्यांनी त्याचं काम केलं त्यांना आणि हेल्मेट क्रॅक व्हायला पाहिजे लोकांचं असम्पशन हे असतं की हेल्मेट क्रॅक नाही व्हायला पाहिजे तुटला ना पाहिजे तो तुटला पाहिजे जेव्हा तो इम्पॅक्ट स्प्रेड होतो जसे गाडीचा इम्पॅक्ट झाला का चेसी बेंड होते आपल्यापर्यंत इम्पॅक्ट नाही स्कलचा इम्पॅक्ट हेल्मेट घेतो
गाइस सुनो, ये कुछ नया चीज है, सुनो हे सेफ्टी पर्पज है, आपण स्लो चालणार आहे. मला तर गाडी विश्वच्या पुढे नाही जमत. फायनली हेल्मेट कोण सा फायनल हुआ? ओके सर, ये जरा शांत पण वाट लागले मला. और ये वाट लगा के लेने वाला है. दोनों आरोपी सामने और इनका तो काम 25 ही आज. ना नहीं बाबा बाहर नहीं बरबर सीमा जरा मुझे दिक्कत क्या कौन है? अरे ये देखो तन्या जी का बिछड़ा हुआ भाई आया है. तो पन लगे चाला रे बहन है बहन है राणीच्या हवाली करू तिला मला आज लाईव्ह उद्याच्या उद्या. कसं वाटतंय? कम्फर्टेबल वाटतं? पण जीन्स कशी ठेवायची? आत कसं जीन्स? अच्छा पण ती शॉर्ट आहे, तू कसं पण ठेव तुझ्या कम्फर्ट प्रमाणे. मैं इनको एसी लगता है क्योंकि उनको फर नहीं है, हेयर है. बराबर एसी में होती है. अगर उसको ऐसा हाथ घुमाया ना, अगर नहीं दिया तो वो नाखून मारती है, ऐसा इन्होंने मुझे बोला. और ओनर है दुकान की, यही ओनर है दुकान की, निकी 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 श्रीमान. नाम क्या इसका? मैं निकी को कुछ बोलना है, इसका नाम है निकी. अरे भाई ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया. लोग सॉक्स अंदर पहनते हैं, उसने देखो शूज के ऊपर सॉक्स. अरे चेक करते बाइक पर कैसा लगता है एग्जैक्टली रियल में. क्या दोस्तों रियल में फील चाहिए कि बाइक में आपको कैसा लगे. गियर गियर डालते हैं कौन जो पंखा दो मिनट का है. होऊन जाईल, छान आहे, खूप छान वाटतंय शूज. मुझे तो ना इसके शूज के ऊपर का कोटिंग ही बादशाह लग रहा है. थॉर देखो थॉर. अरे तू थॉर नहीं लग रहा है, मैं नाम नहीं ले सकता, वो लग रहा है तू. बट क्या बोल रहा है, एकदम सेफ है क्या? अरे जगत में नहीं. आता बरं मी घातल्या माझ्यात एड्रेनलिन रश होणार, आणि एड्रेनलिन रश झाल्या तर हेल्मेट मध्ये एक वायू निघतो, त्यांनी मी परत शांत होणार. असे वायू तुझ्याकडनं बरेच ठिकाणावर नाही येतात. सबेरे से आए हुए, बस अभी तक हेलमेट पे आडे हुए. ए भाई हेलमेट पे नहीं आडे हो गया, मेरे को तो कंटाला आ गया. और ये जो इतना कॉन्फिडेंस बोल रहा है ना कि मैं जिम विम ये वो, मैं वो उसकी हालत बताता हूँ. रुको, दुकान वाले खड़े होके थक गए. ये पीयूष भाई हार चुके, ये अभी तक हेलमेट से ही खेल रहा है और बैठा है जमीन पे. माउंट बिठाया इसको, वो एक्सटेंडेड माउंट है. अभी तुम्हारा भाई मचाएगा बटुकना ट्रिप. श्रीमान मुझे ना, मैं हार चुका हूँ दोस्त, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है. थैंक्स अ लॉट ब्रो, वेलकम. ओके, अभी ये शॉप का काम खत्म हो गया हेलमेट का, अभी वो इधर आया हुआ है पार्टी, इधर आया हुआ है. और तान्या अपन जो हार चुके उसमें बारे में क्या बोलना चाहते हो? हार गई ना तू, बुरा हाल है. ये देखो ये भी जमीन पे आ गई. 6 बजे भी गॉगल है और हमें भी जमीन पे आ ही गया फाइनली. नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है गाइस. ये कौन सा खरीदी है? 4 घंटे हो गए यही खरीदी मार रहे. गुजरात ट्रिप डेंजर जाने वाले. आज तक स्टैंड भी नहीं सुना था, अब ये क्या पैडॉक पैडॉक क्या है दोस्त? हैंडलॉक. हाँ उसको एक्चुअली बाइक एक साइड पे रहती है ना. हाँ. तो उसके टायर को क्रैक जाने के चांसेस रहते. अच्छा, इसलिए पैडलॉक. आप पैडलॉक पे गाड़ी उभी करो. हाँ. और फिर गाड़ी जैसी खड़ी रहेगी. हाँ. फिर टेंशन नहीं है भाई, अगर बीच में से क्रैक गया तो फिर भाई बाइक का त्रास क्या. अरे आपको करता साध्या बाइक, अपन गोलंटिया मारले हाँ. गाइज मैंने जो पल्सर है ना भिंगरी की तरह घुमाई थी, ये पैडॉक बिडॉक नहीं था उस टाइम पर, ठीक है.
फाइनली अभी ना श्रीमान की गाड़ी की सर्विसिंग हो चुकी है और वो खरीदी में बहुत ज़्यादा टाइम गया, बोर हो गया अभी, तो अभी हम वापस शोरूम में आए। अभी श्रीमान की गाड़ी की डिलीवरी मतलब अभी सर्विसिंग हो गई, उसको ही लेने आए। तो आने के बाद अरे किधर नई बाइक आई है टूरर कोई, तो वो भी दिक्कत होगा आपको। और जैसे जाएंगे अभी किधर जाने का मालूम नहीं, घर पे जा रहे हैं या किधर जाने का बूट कैंप पे, उधर जाके ब्लॉग का एंड कर देंगे ना मेरे दोस्तों। लेकिन थक गया, बहुत ज़्यादा थक गया, बाकी कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा थक गया। लेकिन मैं आपको आपको एक गाड़ी दिखाता हूँ, बताने के लिए गए हैं ग्रीन गाड़ी लेके, जिसे बोला जाता है ZX10R, और एकदम नॉर्मल स्पीड है। मैंने उसको सीखा है, वैसे गाड़ी चला रहा है। देखो हमारा 50 का है गाइस, ये देखो ये स्क्रीम कर रहा है, लेकिन हर जोड़ कुछ भी बोल रहा है। ये देखो चेतन से आराम करो, थोड़ा टम्पेट डाउन है, हाई करो बस, बाकी कुछ नहीं था गाइस। ये हम आगे श्रीमान की बाइक भी मिल गई और सफारी कल मिल जाएगी। तो ये व्लॉग इधर एंड हो गया, और एंड ही हो गया इस ऐसे समझ के। बाय बाय, टेक केयर, और दुआ में याद रखना। चले बाय बोल, बाय रे, बाय बॉयज। आता अभी जितना मैं आता कॉल केला।